एबीपीएस न्यूज सच का साथी। जिस प्रकार दिवाली से घरों को रोशन किया जाता है, उसी प्रकार से शिक्षा के माध्यम से इंसान अपनी जिंदगी को रोशन करता है। शिक्षा के ही माध्यम से असफलता को सफलता में बदला जा सकता है। कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा धन है जो इंसान को जीवन में कभी भी निराश नहीं होने देता और प्रत्येक कदम पर उसकी सहायता करता है। राजधानी लखनऊ में अलीगंज स्थित पहले इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग ने आज अपनी एक और शाखा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पहल डायरेक्टर आबाद अली ने कहा, पिछले 3 साल से हमने लाइन दी है ऑल ओवर इंडिया में। कितनी प्लेसमेंट अभी तक है हमारा? सर लास्ट ईयर 97 बच्चा, 120 में से बच्चा प्लेस हुआ था और बाकी बच्चा और जगह प्राइवेट और इंटरनेशनल बच्चा गया है। तो जितना भी ऑलमोस्ट बच्चा हमारा 96% से नीचे थे, कभी नहीं रहा है। लास्ट ईयर तो अप्रॉक्स पूरा 100% था, लेकिन हम उसको कभी क्लियर नहीं करते 100% चल रहा है। रैंक हमारी ऑल ओवर इंडिया हमेशा रही है, रैंक के साथ साथ बच्चा भी अच्छी क्वांटिटी में निकला है। धन्यवाद। सर डिजाइन का आने वाला स्कोप है, जितना भी क्रिएटिविटी का स्कोप है वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा है दुनिया में, क्योंकि इसी में ऐसी चीज है जिसमें आदमी कभी भी खाली नहीं बैठता और अपना जॉब का हमेशा पर्सपेक्टिव बना रहता है उसका। और इसमें आगे चलते बच्चे अपना सेल्फ एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, इसके अलावा अपनी आगे आने वाली जॉब खुद ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी जॉब डिजाइन बेस्ड जॉब आ रही है, क्रिएटिविटी बेस्ड आ रही है। आप कोई भी चीज देखिए सब डिजाइन होके आ रहा है। पहले भी बहुत सारी चीजें बिना डिजाइन की आती थी, गाड़ियां हो या कोई भी चीज हो, अब डिजाइन इंडस्ट्री में इतना डिमांड हो गई डिजाइनर्स की, हमारे डिजाइन सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत समय से आपके इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो क्या लगता है कि लखनऊ में जो डिजाइनिंग का स्कोप है वो इंक्रीज हुआ है या ग्रो, मतलब एक स्टेबल अभी रहा है? मुझे लगता है इंक्रीज हुआ है, मुझे लगता है इंक्रीज हुआ है, काफी इंक्रीज हुआ है। और कोशिश भी हम सबकी रही है, अपार्ट फ्रॉम कमर्शलाइजेशन, हम ये कोशिश करते हैं कि जो बच्चे डिजाइन में जा रहे हैं और जो भी एजुकेशन लेवल पे जा रहे हैं एटलीस्ट अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और यूपी का नाम तो जरूर रोशन करें, कहीं से न जाके लखनऊ का हमारा जो युवा है, जो हमारे बच्चे हैं यहाँ के, वो अच्छी शिक्षा करके और अच्छी जगह प्लेस हो। आज पहल की नई उसकी ओपनिंग की गई, किस कितनी और ब्रांचेज किस तरीके से ओपनिंग की गई थी और आज कौन सा ब्रांच ओपनिंग? ये पहले बताना चाहूंगा, ये 28 ब्रांच है पहल की ऑल ओवर इंडिया, और ये 28 बाद और भी एक दो ब्रांचेस है जो ऑल ओवर इंडिया में खुलने वाली है, और इसका मेरठ का नंबर आएगा, मेरठ में खुलेंगे और एक उसके ब्रांच है। तो 28 नंबर की ब्रांच खुली है लखनऊ में, ये दूसरी ब्रांच है, इससे पहले हमारा अलवा से थे हमारी ब्रांच है, इसके बाद ये दूसरी ब्रांच लखनऊ में खुली है। लेकिन आज ही स्पेशल क्यों रखी गई है ब्रांच ओपनिंग? शुभ अवसर तो अच्छा ही देखा जाता है, तो कोशिश ये की गई कि जो भी शुभ अवसर उसी भी किया जाए। तो दिवाली हमारे नजदीक है और सबको शुभकामनाएं दी जाते हैं, इसके साथ हमने सारे बच्चे भी बुलाए, जितने बच्चे आ सकते थे लोकल लेवल पे हमारा स्टाफ पूरा मौजूद है यहाँ पे, और यही कोशिश की गई इसको इसी मौके पर रखा गया। सर पहले इंस्टीट्यूट बेसिकली किस तरह की शिक्षा प्रदान करता है? पहल डिजाइन की तरफ सबसे ज्यादा रुझान नहीं है, डिजाइन की जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए तैयारी कराता है, और चाहे वो IIT से हो, NIT हो।